अभी हम लोग तखतपुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे करण कापा गांव आए हुए हैं। और ये कौन सा सांप निकला साहब जी? सांप का सांप आप जाना नहीं, बड़े है अभी आई, इनको पता नहीं है कौन सा सांप है। अंदर चल के देखते हैं कि कौन सा सांप है वो। इतना अंदर में कहाँ से पहुंच गए भाई? वो ऊपर से आगे ना छानी, ऊपर से मैं छानी नहीं भाई, हल्ला मत कर, शांति। सभी बोरी के बीच में है, पता नहीं कौन सा सांप है। किसी को पता है कौन सा सांप है वो? ये आप देख सकते हैं, अरे जो अपना श्यान, ये एक रेड स्नेक है, आप देख सकते हैं। ये टॉर्च पकड़, ये ऊपर की बोरी निकालो, इसको खींचो भाई, इसको खींचो, पहले खींच, मोर पैर माजी है। रुक गया, हो गया, हो गया। अच्छा गली में जा, गली में, गली कौन सा सांप बोलती थी आप लोग? असड़िया है, जहर होता है नहीं होता है इसमें, जहर होता है नहीं होता है, साड़ में होता है। और अभी 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 है कि नहीं जहर इसमें? ये हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में असड़िया सांप है, हिंदी में इसे धामन बोलते हैं या धमना बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम रेड स्नेक है। न इसमें अषाढ़ में जहर होता है, न गुरुवार को होता है, न मंगलवार को होता है, इसमें किसी महीने कोई भी दिन जहर नहीं होता। यह पूर्ण रूप से विषहीन सर्प होता है, कोई महीना इसमें जहर नहीं होता है। ये बहुत सुंदर, बहुत सिंपल, बहुत सादा सांप होता है। हम लोग इसकी लंबाई मोटाई देख के डर जाते हैं और मार देते हैं। काला दिखता है तो लोग इसे डोमी समझ लेते हैं, भूरा दिखता है तो गौहा समझ लेते हैं, लेकिन यह एक असड़िया सांप है, धामन बोलते हैं हिंदी में इसको, धामन धमना इसी का नाम है। ये घर में है तो घर के लिए अच्छा है, दूसरा सांप नहीं आता है। बहुत सीधा होता है, अब इसके सीधा का प्रमाण आप देख सकते हैं, हमें बिना किसी सहारे के इसको पकड़ा हुआ है। अगर इसको काटना होता तो ये काट लेता अब तक,
लेकिन ये काटता नहीं, सांप को पकड़ लेता। ये जब तक नहीं, जब तक हम इसे चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये नहीं काटेगा। और ऐसा सांप कुछ किसी को काटता हो तो इसे कुछ होता भी नहीं, इसमें जहर नहीं होता है। ये एक बार काटे 10 बार काटे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें जहर ही नहीं होता है, इसमें दांत ही नहीं होता है। छोटा छोटा शिकार पकड़ने के लिए भगवान ने इसमें दांत बनाया है। जो जहरीला सांपों में जो दांत होता है ना बड़ा बड़ा, उसमें इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर जहरीला होता तो हम इसे ऐसा नहीं पकड़ते इतनी आसानी से। इसकी मोटाई देखते हैं, लंबाई देखते हैं ना, तो हम क्या डूमी है गऊ है करके मार देते हैं। किसी भी सांपों को नहीं मारना चाहिए। जैसे हम भी एक जीव है, पर्यावरण का अंग है हम, वैसे भी ये भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सभी सांपों की रक्षा करनी चाहिए, नहीं मारना चाहिए। खास कर इसमें तो जहर भी नहीं पाया जाता है, बेवजह मारे जाते हैं। हम लोग अपने खाने के लिए अनाज रखते हैं, अनाज खाने के लिए चूहा आता है, चूहा खाने के लिए हमारे घरों तक पहुंच जाता है। डब्बा में नहीं आएगा, डब्बे में नहीं आएगा। कोई छूना चाहेगा इसको? देखा साहू जी, छू के देख। यह करण कापा से पकड़ा हुआ असड़िया धामन धमला सांप है, जिसे हम लोग गांव के बाहर रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। करण कापा के नहर के पास छोड़ रहे हैं हम लोग इसे, और इसके प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक आवास में इसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे काम का कॉपी ना करें, हमारे काम का नकल ना करें, यह एक प्रशिक्षित लोगों का काम है।